दो मुहे बाल हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि नीचे से रफ होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, झाड़ू जैसे बाल नजर आने लगते हैं। लेकिन आज के बाद हम इन्हें कट नहीं करेंगे। हेयर ब्रेकेज यानी कि दो मुहे बालों के साथ बाल टूटने लगते हैं, ऊपर को जाने लगते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को आज हम सिक्योर करेंगे। आपके बाल सिल्की स्मूथ होंगे सिर्फ इस छोटी सी रेमेडी से, इस छोटे से नुस्खे से। इवन ये चीजें आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन ठीक तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज करेंगे, देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दी। मिक्सिंग के लिए लेना है एक बाउल, और इसमें मैं सबसे पहले जो चीज इस्तेमाल करूंगी वो है एलोवेरा जेल। ठीक है, अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल को अवॉइड किया है क्योंकि मैं इस रेमेडी को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि बार बार बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्योर लेकिन मार्केट वाला जेल इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगी कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके बालों को डीप मॉइस्चराइज करता है, ये तो मेरी सारे फैमिली को पता है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, और थर्ड में इसमें ऐड करूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अल्टरनेट है आपके हेयर कंडीशनर के, हेयर कंडीशनर जैसा ही वर्क करता है ग्लिसरीन। तो इसमें आपने 1 चम्मच ऐड कर देना है ग्लिसरीन का, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ठीक हो गया, 1 कैप्सूल ऐड कर सकती है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से स्मूथली आपने मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद जनाब ये हमारा रेडी हो गया बाम, हेयर बाम आप इसे कह देंगे, इसे ट्रीटमेंट जेल कहेंगे। इसे बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं, बहुत जबरदस्त है, इसके बहुत फायदे हैं। यकीन करें आप इसे एक बार मेरे कहने से बनाकर रख लीजिए। अच्छा, अब आपने लगाना कैसे है? आपने अपने बालों के लेंथ पर इसको इस्तेमाल करना है, लगाना है, पूरी रात लगा रहने देना है। और आपने सुबह जब आपने जैसे नहाना हो, ठीक है, आपने रात को ये लगाया बालों में, बालों के स्प्लिट एंड्स पर, दो मुहे बालों पर लगाया और अच्छे से कंघा किया, कॉम किया, ब्रश किया। उसके बाद आपने सुबह इसको ऑर्गेनिक शैम्पू से वॉश करना है। ऑर्गेनिक शैम्पू इसलिए कहती हूँ क्योंकि आजकल जो माहौल है केमिकल से केमिकल, खाने में भी केमिकल, तो प्लीज अपने बालों को टॉपिकल वॉश करने के लिए ऑर्गेनिक शैम्पू का इस्तेमाल किया करें। ऑलरेडी होममेड शैम्पू आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, और मेरी हजारों बहनों ने उसे इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिव्यूज भी दिए हैं। जरा सी भी मेरी मेहनत अगर पसंद आई है ना, आपकी डिमांड पर हमेशा आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।